बड़ी खबर आ रही है जनपद श्रावस्ती से। 20 वर्षीय मंदबुद्धि युवक का नाले में पड़ा मिला शव। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस। श्रावस्ती जनपद के सोनवा क्षेत्र के ग्राम पंचायत पहलादा के मजरा लालपुर गांव के पूरब स्थित नाले में आज शनिवार के दिन एक लाश तैरते हुए दिखाई दी। वहीं पास के ही कुछ ग्रामीण अपना खेत देखने के लिए नाले की तरफ गए हुए थे कि अचानक उनकी नज़र नाले की तरफ पड़ी। लाश पड़ी नाले में लाश को देखकर लालपुर गांव के ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। वहीं ग्रामीणों ने तत्काल नाले में लाश पड़े होने की सूचना ग्राम प्रधान मौला बख्श को दी। मौला बख्श द्वारा लाश मिलने की सूचना सुनवा थाना के पुलिस चौकी लक्ष्मण नगर पर दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे चौकी प्रभारी विद्यासागर पांडे व सिपाही अखंड सिंह द्वारा ग्रामीणों की मदद से नाले में पड़े शव को बाहर निकाला। शव को बाहर निकालने के बाद मौके पर मौजूद लोगों से नाले में पड़े युवक की शिनाख्त कराई गई। शिनाख्त में ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि लालपुर गांव के ही 20 वर्षीय दीपक राम मिश्रा पुत्र स्वर्गीय जगराम मिश्रा के पुत्र की लाश है, जो कि थोड़ा मंदबुद्धि का था। वहीं नाले में पड़े युवक के लाश की जानकारी होने पर परिवार में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंची मृतक युवक की मां ने अपने बेटे के रूप में पहचान की और बताया कि शुक्रवार की शाम से दीपक घर से गायब था, जिसकी काफ़ी खोजबीन की गई लेकिन पता नहीं चल सका। वहीं आज दीपक की लाश गांव के पूर्व एक नाले में पड़ी मिली। मौके पर पहुंचे चौकी प्रभारी विद्यासागर पांडे द्वारा शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आपका क्या नाम है? आप किस गांव में रहती है? किस गांव में रहती है? लालपुर हम रहते थे। आपका बेटा कब गायब हुआ था? हमारा कार 6 बजे गायब था। क्या नाम था? दीपक राम। तो कैसे गायब हुआ था? किसी झगड़ा किया था? ना झगड़ा ना लड़ाई, इंदिरा रात बहुत है, कुछ ना दिमोट दिमाग रहा है, घर लड़ जाते रहे और बाहर कोई से नहीं कोई मार दे तो नहीं। तो आप अपने बेटे को पहचानती हैं? ये आप पहचाने? Thank you.